हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पास फोर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। लेट एस एन बराबर जीरो टू वन एन एक्स टू एन माइनस वन अपन वन प्लस एक्स डी एक्स फोर एन ग्रेटर देन वन एंड एज एन टेंस टू थ्री द सिक्वेंस एस एन टेंस टू। ऑप्शन है ए बराबर जीरो, बी बराबर टू, सी बराबर वन, डी बराबर इन्फिनिटी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फिर सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे जीरो टू वन एस एन क्या होता है, जीरो टू वन एन एक्स टू दावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स लेट एंड डी एक्स लेट एक्स बराबर, अगर हम यहां से बराबर वन प्लस एक्स को उठाना चाहे तो यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा ले लें, तो टेन स्क्वायर थीटा लेने पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहां से इसको चेंज कर सकते हैं हम। और डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास टू टेन थीटा, टू टेन थीटा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा ये हो गया हमारे पास। तो यहां से एस एन बराबर जीरो टू, अब लिमिट एक्स एक्स बराबर जीरो टू वन है, अब जब टेन थीटा है तो एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी जीरो टू, लिमिट जो एक्स बराबर जीरो पे यहाँ पे जीरो रहेगा, और जब एक्स बराबर वन है तो टेन स्क्वायर थीटा कब वन होता है, जब पाई बाई फोर हो, तो जीरो टू पाई बाई फोर लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई बाई फोर, और ये हो गया एन और टेन स्क्वायर, तो ये टू एन माइनस टू थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी एक्स की जगह टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा और डी थीटा यहाँ पे है, ये हो गया। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई फोर, यहां पे टू आगे एन आगे, टू और एन आगे टेन टू द पावर टू एन माइनस वन एंड डी थीटा ये आ गया फ्रेंड्स। अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि एक तरह से ये कह रहा है कि जब हमारे पास टेन थीटा के जो कर्व है जीरो टू पाई बाई फोर के बीच में जो एरिया है उसको निकलवा रहा है ये, यानी अगर हम उस पर बात करें कि कोई एरिया की बात करें तो एरिया किस तरह से होती है, जीरो टू कुछ लिमिट वाई डॉट डी एक्स, अगर वाई बराबर टेन स्क्वायर टेन की पावर टू एन माइनस वन थीटा है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एरिया वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर पूरा जो है इंटीग्रेशन पॉजिटिव नंबर है। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव नंबर डॉट टू एन, तो अब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे एन एन टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा ये पूरा नंबर इन्फिनिटी तरफ टेंड्स करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर एन जो है वो इन्फिनिट होगा कुछ मल्टीप्लाई में है तो ये इन्फिनिट पे जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी द सीक्वेंस एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।